हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन, जो बिल्कुल बाहर जैसी टेस्टी और बाहर जैसी स्मोकी होने वाली है, वो भी घर पर। तो चलो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चार लेग लिए हैं, उसे इस तरीके से कट करना है। इस प्रोसेस से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, मसाले एकदम अंदर चले जाएंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। हमारे ड्राई मसाले नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, होममेड गरम मसाला। हम एक एक करके सारे मसाले इस बाउल में ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन चिली पेस्ट डाला इसमें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, होममेड गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच, कस्तूरी लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 2 नींबू का रस, 1 छोटी कटोरी दही जो बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वाली दही लेंगे तो इसमें मसाले अच्छे से कोट नहीं करेंगे, इसलिए गाढ़ी दही यूज़ करेंगे हम इसमें। मैं यहाँ पे शानी तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा चिकन को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देता है और आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको ये मसाला चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। मैंने शानी मसाला 1/2 पैकेट इस मसाले में ऐड किया है। अब इस मसालों को अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इस मसाले को हमारे चिकन में अच्छे से कोट करेंगे। चिकन को इसमें अच्छे से कोट कीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। चिकन को 5 से 6 घंटे मैरिनेट करके रखें। इससे ज़्यादा मैरिनेट करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगी। देखिए हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे तंदूर में सेकेंगे। मैं इस बाउल में तेल और बटर दोनों ले रही हूँ। आप चाहे तो तेल से या सिर्फ बटर से भी इसे सेक सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर मेरी चिकन रखी, मैं उसमें हल्का हल्का बटर और ऑयल लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चिकन में, और देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है चिकन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप चाहें तो चिकन को ओवन में भी सेक सकते हैं, ग्रिल तवे पे भी सेक सकते हैं। देखिए हम चिकन को अब फ्लिप करेंगे। देखिए नीचे से भी अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इसमें। चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। चिकन तंदूरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको जूसी स्मोकी तंदूरी चिकन माउथ वाटरिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।